झारखंड की हेमंत सरकार दावा करती है कि स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, कई योजनाएं संचालित की जा रही है। बावजूद इसके धनबाद जिले के कई सरकारी स्कूलों से आई ताजा तस्वीरों ने दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक धनबाद जिले के कई स्कूलों में परीक्षा देने पहुंचे बच्चों को बिठाने के लिए जगह ही कम पड़ गए। कहीं एक ही बेंच डेस्क पर आधा दर्जन बच्चों को बिठाया गया तो कहीं दर्री में बिठाकर परीक्षा दिलाई गई। तर्क दिया गया कि परीक्षा वाले दिन ज्यादा बच्चे आए थे। दरअसल स्कूलों में बुनियादी सुविधा का अभाव है, पर्याप्त संख्या में बेंच डेस्क नहीं है, पर्याप्त क्लासरूम नहीं है, शिक्षकों की भी भारी कमी है। नतीजा ये दृश्य सामने आया है। पिछले साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4000 सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित कर राज्य के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की बात कही थी। इसके अलावा सोरेन सरकार ने राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया था, जिससे कि सरकारी स्कूलों की हर गतिविधियों पर सरकार की नज़र बनी रहेगी। लेकिन धनबाद जिले के कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां ना तो सरकार की नज़र पड़ रही है और ना ही शिक्षा विभाग की। दरअसल धनबाद जिले के कई सरकारी स्कूल में प्रोजेक्ट रेल माने रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग के तहत बीते शनिवार को सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा ली जा रही थी। इसके तहत कक्षा 1 व 2 को मौखिक और कक्षा 3 से 12 के छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा के जरिए मूल्यांकन किया जाना था, लेकिन जिस तरह से परीक्षा ली गई वह मूल्यांकन का शिक्षा विभाग का मजाक ज्यादा दिखाई पड़ रहा था। कहीं एक ही बेंच पर 6 छात्रों को बैठा दिया गया तो कहीं बच्चों को बरामदे में और स्कूल के ऑफिस में बैठाकर परीक्षा ली गई। बता दें कि इन सरकारी स्कूलों की स्थिति इसलिए भी हुई क्योंकि इनमें नामांकित बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूल में बेंच डेस्क नहीं होते हैं। इसके अलावा आमतौर पर रोजाना स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 60 से 75% तक ही रहती है। हालांकि तब भी सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को किसी तरह बेंच डेस्क या फिर कई जगह दर्री पर बैठाया जाता है। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक बीते शनिवार को गोविंदपुर के नगर क्यारी उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय में 1200 विद्यार्थी परीक्षा देने स्कूल पहुंचे थे, लेकिन 1200 बच्चों में से केवल 850 बच्चों को ही बैठने के लिए स्कूल में बेंच थे। पहले तो हर बेंच पर 5-5 छात्रों को एक साथ परीक्षा में बैठाया गया, उसके बाद 250 बच्चों को बरामदे, लाइब्रेरी, ऑफिस, प्रयोगशाला आदि में बैठा कर किसी तरह परीक्षा दिलाई गई। बता दें कि इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 1600 से करीब है। हालांकि परीक्षा वाले दिन केवल 1200 ही बच्चे आए थे। इसी तरह झरिया राज +2 उच्च विद्यालय में 1662 विद्यार्थी हैं, जहां शनिवार को सिर्फ 711 बच्चे ही परीक्षा देने पहुंचे। इसके बावजूद स्कूल के सभी क्लासरूम और हॉल भर गए। पिछले बेंचों पर बैठी छात्राओं को प्रश्न लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड के करीब आना पड़ा और इसमें काफी समय लग गया। जरा सोचिए, इस स्कूल के आधे ही बच्चे परीक्षा देने आए थे, उसमें भी स्कूल के पास उतने बेंच नहीं थे जिसमें बच्चे बैठ सके। इसी तरह निरसा के बेनागोड़िया स्थित +2 विद्यालय में भी यही हाल रहा। यहाँ कक्षा 9 से 12 तक के करीब 1970 विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनमें से करीब 1000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि 7 क्लासरूम, 2 ICT लैब को मिलाकर भी करीब 800 बच्चों को ही बैठाकर परीक्षा लिया गया। बाकी बच्चों को क्लासरूम के बाहर फर्श पर दरी बिछाकर बैठाया गया। फिर भी कई बच्चों को जगह नहीं मिली तो एक बेंच पर 6-6 बच्चों को ही बैठा दिया गया। आपको बता दें कि धनबाद जिले में कुल 1726 स्कूल है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम रहती है पर परीक्षा वाले दिन संख्या बढ़ जाती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि बाकी अन्य दिन भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को खुले में दर्री पर ही बैठाया जाता है। सरकारी स्कूलों की ये स्थिति को देखकर सरकार के शिक्षा विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा होता है, इसलिए भी क्योंकि पिछले साल राज्य में विद्या केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर सरकार की नज़र बनी रहेगी। विद्यालय में बच्चों की कितनी उपस्थिति रही है, कितने शिक्षक उपस्थित हुए आदि की समीक्षा केंद्र में स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सरकार को इसकी खबर मिलती रहेगी। लेकिन अब लगता है कि सरकार की यह योजना भी मानो कागजी पन्नों तक ही रह गया है, तभी तो इन सरकारी स्कूलों की हालिया स्थिति पर सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द 4th पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।